हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईस्टर्न यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के मंत्री और उनके मंत्रालय के बारे में ये डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। ये वीडियो क्यों लेकर आए हैं, इसका रीजन है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और आपके नॉलेज के लिए भी और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के सभी मंत्री और उनके मंत्रालय के बारे में जानना। तो सबसे पहले बात करते हैं कमलनाथ जी की, जो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये छिंदवाड़ा से विधायक हैं और इन्होंने अपने पास कौन कौन से विभाग रखे हैं उनकी बारे में मैं आपको जो बता दें कि औद्योगिक नीति, जनसंपर्क विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, अप्रवासी भारतीय विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग कमलनाथ जी ने अपने पास रखे हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है आरिफ अकील, जो भोपाल विधानसभा से विधायक हैं। इनके पास भोपाल गैस त्रासदी, राहत पुनर्निवास पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का इन्हें मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है तरुण भनोट, जो जौलपुर वेस्ट से विधायक हैं। इन्हें वित्त मंत्रालय, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है बाला बच्चन, जो राजकोट से विधायक हैं। इन्हें गृह मंत्रालय, जेल और मुख्यमंत्री से संबंधित मंत्रालय दिए गए हैं। नेक्स्ट है संजय सिंह वर्मा, जो सोनकच्छ देवास से विधायक हैं। इन्हें लोक निर्माण और पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है लाखन सिंह यादव, जो भिटावर ग्वालियर से विधायक हैं। इन्हें पशुपालन, मछुआ और कल्याण तथा मत्स्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, इन्हें चिकित्सा शिक्षा, आयुष और संस्कृति विभाग का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है ब्रजेंद्र सिंह राठौर, जो पृथ्वीपुर टीकमगढ़ से विधायक हैं। इन्हें वाणिज्य कर मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है हुकुम सिंह कराड़ा, जो साजापुर में है। इन्हें जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है हुकुम सिंह कराड़ा। नेक्स्ट है तुलसी सिलावट, जो संबार इंदौर से विधायक हैं। इन्हें लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है गोविंद सिंह राजपूत, जो सुरखी विधानसभा है, जो सागर में है, इसके विधायक हैं और इन्हें राजस्व तथा परिवहन विभाग दिया गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं गोविंद सिंह राजपूत। नेक्स्ट है ओमकार सिंह मरकाम, जो डिंडोरी से विधायक हैं। इन्हें जनजाति कार्य, विमुक्त अर्ध घुमक्कड़, जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है और चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं ओमकार सिंह मरकाम। नेक्स्ट है सुखदेव पांसे, जो मुलताई बैतूल से विधायक हैं और इन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो सांची रायसेन से विधायक हैं। इन्हें स्कूली शिक्षा का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है जयवर्धन सिंह राघोगढ़, ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं और इन्हें नगरीय विकास और आवास मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है हर्ष यादव, जो देवरी सागर से विधायक हैं। इन्हें कुटीर और ग्रामोद्योग, नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग दिया गया है। नेक्स्ट है कमलेश्वर पटेल, जो सीधी से विधायक हैं। इन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है लखन घनघोरिया, जो जबलपुर ईस्ट से विधायक हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं लखन घनघोरिया और इन्हें सामाजिक न्याय और निशक्त जन कल्याण विभाग दिया गया है। नेक्स्ट है पीसी शर्मा, इन्हें विधि और विधायी विभाग दिया गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं पीसी शर्मा। नेक्स्ट है सुरेंद्र सिंह बघेल, कुमसी, जो कुमसी से विधायक हैं। इन्हें नर्मदा घाटी और पर्यटन का मंत्री बनाया गया है, यानी इन्हें नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट है जीतू पटवारी, जो राव से विधायक हैं। इन्हें उच्च शिक्षा और खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिया गया है। तो चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं जीतू पटवारी। नेक्स्ट है सचिन यादव कसरवाड़, इन्हें किसान मंत्रालय, किसान कल्याण और कृषि विकास, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। ये कसरवाड़ से विधायक हैं। नेक्स्ट है उमंग सिंघार, जो गंधवानी से विधायक हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं
उमंग सिंघार, इन्हें वन विभाग दिया गया है। नेक्स्ट है प्रद्युम्न सिंह तोमर जो ग्वालियर से विधायक हैं, इन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। नेक्स्ट है प्रदीप जायसवाल और इन्हें खनिज संसाधन मंत्री बनाया गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं प्रदीप जायसवाल। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह सिसोदिया जो बमहौरी से विधायक हैं, इन्हें श्रम विभाग दिया गया है। नेक्स्ट है एमआरसी देवी, यह बाल और महिला विकास की मंत्री बनाई गई हैं। नेक्स्ट है प्रियव्रत सिंह जो खिलचीपुर से विधायक हैं, इन्हें ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के मंत्री और उनसे जुड़े मंत्रालय। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन आता है कि किस कौन सा मंत्री किस मंत्रालय से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ कुछ वर्ल्ड और इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। हमारी एक और सीरीज मध्य प्रदेश जीके एंड जीएस की रिलीज हो चुकी है, इसे देखना ना भूलें। और हमारी करंट अफेयर्स की एक क्लास पर डे लगाई जाती है, तो इसे भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।